हेलो फ्रेंड्स, उन्नति एकेडमी चैनल में आपका स्वागत। हम आनंद सर आपका स्वागत करते हैं। हम यहाँ पे आज जो पढ़ने वाले चैप्टर है वो 10th का एक चैप्टर लाइफ प्रोसेस चैप्टर आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं। यहाँ पे जो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो बात करते हैं, क्लास 10th का ये टॉपिक आपको लाइफ प्रोसेस जो है ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर आपके लिए बायोलॉजी के अंदर दिया गया है। इस चैप्टर का जो अगर हम मीनिंग देखेंगे तो यहाँ पे पहला वर्ड आता है लाइफ और उसके बाद आता है प्रोसेस, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि हम इस चैप्टर के अंदर जैव प्रक्रम के बारे में बात करते हैं। ये जैव प्रक्रम जो चैप्टर होती है ये बात बताई जाती है कि इस अर्थ पे जो भी जीव जंतु आए हैं वो जीव जंतु बचपन से लेके और उसके इंड तक, यानी कि अगर कहा जाए डेथ तक, उसके अंदर होने वाली जितने भी क्रियाएं होती है सारा इस लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंतर्गत आता है। इस लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर हम बहुत सारी चीजें पढ़ने का कोशिश करेंगे, जैसे कि इसके अंदर न्यूट्रिशन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है और तमाम जितना भी चीज होता है, ग्रोथ क्या होता है, वो सारी इसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं इस चैप्टर के अंतर्गत, जो कि आप लोग का पहला 10th का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं। आगे जब इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे, इस चैप्टर के अंदर अगर हम बात करें तो इस चैप्टर के अंदर जब इसके इंट्रोडक्शन का बात करते हैं तो इसका इंट्रोडक्शन हमें ये बात बताती है, बताने का काम करता है कि जो इस चैप्टर के अंतर्गत हम जो पढ़ेंगे वो कह रहा है कि द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। जब इस लाइफ प्रोसेस के डेफिनेशन का बात करते हैं तो बताया जाता है यहाँ पे द बेसिक फंक्शन, यानी हम लोग के जिंदगी का जो एक आधारभूत कोई भी क्रिया होती है उसको परफॉर्म करने के लिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक बेसिक फंक्शन जो जीवन का होता है उसको परफॉर्म करने के लिए, उसको मेंटेन जो करते हैं इस पृथ्वी पे जो भी जीव है वो सारा का सारा इस लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंतर्गत आते हैं। यानी सीधी बात अगर हम कहा जाए तो सीधी सी बात है कि जब हम जन्म लेते हैं और जन्म से डेथ के समय तक की वो सारी क्रियाएं इसके अंतर्गत आने का कार्य करता है, चाहे वो तमाम कोई भी जीव हो, चाहे एक सूक्ष्म जीव हो, चाहे एक विशाल जीव क्यों ना हो, सारा के अंदर एक बेसिक परफॉर्म करना बेसिक फंक्शन होती है अपने जीवन को परफॉर्म करने के लिए, जो कि इस चैप्टर के अंतर्गत लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। आगे इसके बारे में बात किया जाता है कि कौन सा ऐसा क्राइटेरिया डिसाइड करता है जो कि हम कह सकते हैं कि कोई भी जीव वो लिविंग है, यानी कह सकते हैं कि वो जिंदा है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको एक और बात की जानकारी होनी चाहिए। हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर बात किए, लाइफ का मतलब भी बता दिए थे कि वहां पे जेब होता है और प्रोसेस का मतलब प्रकरण, यानी जेब के अंदर एक जीवन के अंदर जो प्रक्रिया होगी वो सारी की सारी इसके अंदर हमें पढ़ने को मिलेगा। इसके क्रिटेरिया जो होते हैं, अगर उस क्रिटेरिया का अगर हम कुछ बात करें, तो इसके अंदर कुछ क्रिटेरिया होती है जिसके कारण हम कह सकते हैं कि कोई जीव लाइव है, यानी कोई जीव जिंदा है या नहीं है। उसके अंदर हम आपको कुछ पॉइंट बताने जा रहे हैं, हालांकि इसके अंदर लगभग 12 पॉइंट आते हैं जो कि हम अगले किसी वीडियो में आपको बताएंगे कि किसी भी लिविंग बींग्स को हम किस प्रकार से बोल सकते हैं कि ये लिविंग्स है और किस प्रकार से हम आपको बता सकते हैं कि ये नॉन लिविंग्स है। इस चीज के लिए आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग कुछ क्राइटेरिया है जो कि डिसाइड करता है कि हम लोग एक सजीव प्राणी है और जो निर्जीव प्राणी होते हैं उसके अंदर यही प्रक्रिया आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। सबसे पहली बात इसके अंदर बताया जाता है कि उसके अंदर स्टिमुलस एंड मूवमेंट देखने को मिलता है, वो रिस्पॉन्स करता है। कोई भी लिविंग बींग्स होते हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं, उसके अंदर एक स्टिमुलस देखा जाता है, उसके अंदर मूवमेंट देखा जाता है। यहाँ पे स्टिमुलस और मूवमेंट का अगर मतलब बताया जाए तो हम आपको एक बात बता देते हैं कि लोकोमोशन अलग बात होती है और मूवमेंट अलग बात होती है। इस जगह पे अगर हम मूवमेंट का बात करते हैं तो मूवमेंट जो होते हैं वो मॉलिक्यूलर लेवल पे भी आपको देखने के लिए मिलता है, यानी बताया जाता है कि मूवमेंट जो होते हैं वो आपको मॉलिक्यूलर लेवल पे भी देखने के लिए मिलता है। मॉलिक्यूलर लेवल इट मीन्स कहने की ये भी जो इसके अंतर्गत हम लोग के
सेल के अंदर हम पहले बता दिए कि इस को जब प्रकरण में इस अर्थ के ऊपर चाहे वो छोटे से जीव हो चाहे वो बड़े से जीव हो, किसी भी जीव के अंदर ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। मॉलिक्यूलर लेवल कहने का मतलब होते हैं कि आणविक स्तर होती है, यानी एक कोशिका के अंदर आणविक स्तर, यानी एक कोशिका के अंदर भी मूवमेंट देखी जाती है। एक मूवमेंट का मतलब होता है कि बहुत कम स्तर पे आपको ये देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि अगर हम बात करें तो बताया ये जाता है कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोई भी मॉलिक्यूलर प्रोसेस हुआ, यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ, तो उसके अंतर्गत ये बात बताई जाती है कि वो एनर्जी क्या उसी जगह पे रहेगी या उस जगह से किसी और जगह पे भी जाती है। तो हम जानते हैं कि बेसिक परफॉर्म करने के लिए एक सेल को उसके अंदर वो माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी बनाती है वो एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह, यानी उस कोशिका को परफॉर्म करने के लिए वो सारी प्रोसेस करती है। इसलिए बताया जाता है कि इसके अंदर मूवमेंट देखी जाती है, यानी हम कहते हैं कि किसी भी लिविंग के अंदर मूवमेंट देखी जाती है। स्टिमुलस का मतलब होता है संवेदना, किसी चीज का संवेदना, यानी एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, किसी भी एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अकॉर्डिंग वो अपने आप को किस प्रकार से ढाल पाती है, किस प्रकार से उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, वो इस स्टिमुलस के अंदर लिविंग बींग्स के अंदर देखा जाता है। फिर बात आती है कि उसके अंदर मूवमेंट जो होती है वो मूवमेंट हम जो आपको बात किए हैं तो आपको समझ जानी चाहिए कि मूवमेंट एक विजुअल होती है और एक इनविजुअल होती है। विजुअल मूवमेंट का मतलब ये हुआ दोस्त कि विजुअल हम तब भी कहते हैं इसके अंदर लोकोमोशन मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट, यानी अगर हम एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं तो ये जाने की जो प्रक्रिया हम लोग की है ये सारी की सारी जो होती है वो मूवमेंट और लोकोमोशन के अंतर्गत विजुअल कंडीशन, यानी हम इसको देख पा रहे हैं इसके अंतर्गत आती है। जबकि इन विजुअल का मतलब होता है कि मूवमेंट एट ए मॉलिक्यूलर लेवल, ये वही मूवमेंट मॉलिक्यूलर लेवल पे हुआ जो कि हम लोग के अंदर तो होती है लेकिन हम देख ही नहीं पाते हैं, ये वो इनविजुअल मूवमेंट होती है। जैसे कि एक बात हम आपको बता देते हैं, ग्रोथ जो होता है वो भी इनविजुअल मूवमेंट होता है एट सर्टेन टाइम के लिए। जैसे कि अगर हम आपको बोल दें कि मेरे हाथ की एक कोई नाखून है, मेरे हाथ की कोई एक नेल है और उस नेल के अंदर जो रोज कोई ना कोई तो मूवमेंट होता होगा, कोई ना कोई ग्रोथ तो होता होगा जिस ग्रोथ को हम देख नहीं पाते हैं, और जब वो सर्टेन रेंज तक यानी बहुत बड़ा ग्रोथ हो जाए तो हम उसको विजुअल कर पाते हैं, अन्यथा हर एक दिन के लोग क्या हुआ इनविजुअल। तो इनविजिबल मूवमेंट उसी को बताया जाता है। फिर और भी क्रिटेरिया है लिविंग बींग्स को डिसाइड करने के लिए कि वो लिविंग बींग्स है, इसके लिए हमें एक यहाँ पे रेस्पायर ग्रो और रिप्रोड्यूस कहते हैं कि लिविंग बींग्स के पास ये क्रिटेरिया है कि वो रेस्पायर यानी श्वसन का कार्य कर पाता है, वो ब्रीदिंग का कार्य करता है, उसके अंदर एक वृद्धि देखी जाती है, उसके अंदर जनन करने की एबिलिटी होती है, ऐसा कुछ कहते हैं कि एक लिविंग सजीव होते हैं। हम इस धरती पे कोई भी प्राणी क्यों ना ले ले जो कि एक लिविंग होगा, सारे के सारा के अंदर ये क्रिटेरिया देखी जाती है कि रेस्पायर वो होगा लेता ही है, चाहे वो जिस प्रकार से ले ग्रो करता ही है और रिप्रोड्यूज करता ही है। हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि इस जगह पे ग्रो की जो बात की गई है, इस ग्रो पे एक कॉन्ट्राडिक्शन चलता है। कॉन्ट्राडिक्शन इसके अंदर ये होती है कि हम इसके अंदर अगर बात करें ग्रो के अंदर कौन सा इस टाइप का देखा जाता कि बताई जाती है कि ग्रो कैसे हम डिसाइड करते हैं, तो हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि मान लीजिए हम ग्रो का अगर बात कर रहे हैं तो इस ग्रो के अंदर या अगर हम ग्रोथ के अंदर ये दो प्रकार की होती है, ग्रोथ भी दो प्रकार की होती है। एक ग्रोथ ऐसा होता है जो कि बताया जाता है कि एक लकड़ी को हम लिए और पानी के अंदर रख दिए और कुछ दिन के बाद देखते हैं तो लकड़ी जो होती है पानी के कारण फूल जाती है, उसका जो ओरिजिनल शेप रहता है उस शेप से उसकी आकार जो होती है काफी बढ़ जाती है। ऐसे आपको देखने के लिए मिलेगा बारिश के समय में, खुद के दरवाजा को देखिएगा,
वो गर्मी के दिनों में आराम से दरवाजा आपका लग सकता है, लेकिन बरसात के दिनों में वो लगने में थोड़ी प्रॉब्लम करती है। उसका रीजन ये होती है कि एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर के कारण वो जो आपका उडेन दरवाजा है, वो उडेन दरवाजा फूल जाती है, सोलेन कर जाती है, जिसके वजह से वो जो होती है वहां पे कहते हैं कि इनलार्ज हो जाती है। लेकिन फिर बताया जाता है कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज होती है, गर्मी की मौसम आती है और उस गर्मी के मौसम में वो सूख जाती है और फिर हम देखते हैं कि वो अपना ओरिजिनल पोजिशन पे आने का कार्य करता है। लेकिन क्या आपको ये बात मालूम है कि बचपन में हम इतना छोटा दिख रहे थे और अभी इतना बड़ा होने के बाद क्या फिर से हम उस बचपन के कंडीशन में जा सकते हैं? ना, कभी नहीं जा सकते हैं। ना, आप भी देख लीजिएगा खुद को ले जाके, आप भी नहीं जा सकते हैं। इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि ये जो होते हैं ये डायरेक्टली ग्रोथ, वन डायरेक्शन ग्रोथ होते हैं, जो कि बढ़ जाते हैं तो फिर वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आते हैं। इसलिए ये ग्रोथ जो होती है, इस ग्रोथ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये लिविंग थिंग्स का और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी देखा जाता है। लेकिन लिविंग थिंग्स के अंदर जो होता है वो ओरिजिनल सेट में कभी फिर से नहीं आ पाती है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर आपको पता है कि वो अपनी कंडीशन के अंदर आ सकते हैं। फिर अगर हम बात करें इसके अंतर्गत, तो बताई ये जाती है कि दे हैव एबिलिटी टू इवॉल्व। इसका मतलब होता है कि ये विकास करने की इसके अंदर क्षमता देखी जाती है, यानी खुद के अंदर डेवलपमेंट करने की एक क्षमता होती है। बात भी सही है, कोई भी सजीव जीव क्यों ना हो, वो जिस समय बॉर्न लेती है, बॉर्न के बाद वो टाइम टू टाइम डेथ से पहले वो अपने आप को काफी विकसित करना चाहते हैं, चाहे कोई भी हो। आप भी अपने आप को देखते हैं कि बचपन में जैसा थे वो अभी के दौर में वैसा आपको बनना ही नहीं चाहते हैं, आप खुद को विकास करना चाहते हैं, क्योंकि एक आप लिविंग थिंग्स है। इस अर्थ के ऊपर लिविंग थिंग्स जो भी हो उसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को इवॉल्व कर सके, वो अपने आप को विकसित कर सके। फिर बताया जाता है कि ऑल लिविंग बींग्स हैव डेफिनेट शेप साइज लाइफ स्पैन। बताया जाता है जीव इस धरती पे कोई भी हो उसका शेप साइज और लाइफ स्पैन, यानी यही है वो कहने का मतलब कि बॉर्न टू डेथ। ये जो यहाँ पे बताया गया है, ये बताया गया है बॉर्न टू डेथ, यानी बताया ये जाता है कि अगर हम बात करें तो इस जगह पे आपके जन्म से आपके मृत्यु तक का जो टाइम होता है, यानी जन्म से मृत्यु तक का जो आपका टाइम होता है, वो मृत्यु तक का टाइम बताया जाता है कि आपका ये लाइफ स्पर्म के नाम से जानने का कार्य करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सारा एक्टिविटीज जो है एक लिविंग बींग्स के अंदर देखा जाता है। बात फिर एक आती है कि इस लिविंग बींग्स के अंदर और क्या क्रिटेरिया है कि हम बोल सकते हैं कि ये लिविंग है। एक मेन क्रिटेरिया हम आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं कि वो क्या होती है, तो माय डियर फ्रेंड वो जो होती है वो ये होती है, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी किसी भी सजीव के लिए एक मेन क्रिटेरिया होती है कि सजीव बींग्स को एक लाइफ परफॉर्म करने के लिए इस क्रिटेरिया से गुजरना ही पड़ता है, उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होता ही होता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का अगर हम बात करें तो बताया ये जाता है कि इस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंदर, इस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंदर दो चीज होती है। इस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंदर बताया जाता है कि दो चीज होती है, एक जो होती है इसके अंदर वो होती है कैटाबॉलिक, एक होती है कैटाबॉलिक और एक होती है एनाबॉलिक। यानी कहने का मतलब ये है कि एक कैटाबॉलिक और एक एनाबॉलिक ये मेटाबॉलिक के अंतर्गत देखी जाती है, एक कैटाबॉलिक और एक मेटाबॉलिक बताया जाता है कि इसके अंदर देखी जाती है। याद रखेगा इसका, ये दो एक्टिविटीज के कारण मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो कि किसी भी जीव को परफॉर्म करना पड़ता है एक लाइफ को प्रोसेस करने के लिए, ये दोनों होती क्या है, इस चीज को अगर आप देखेगा तो हम आपको आराम से समझा सकते हैं। देखिए यहाँ पे
CATA लिखा हुआ है, यानी काटा। काटा का मतलब किसी चीज को काटना, यानी किसी चीज को टुकड़े में बांटना। इसका दूसरा मीनिंग अगर हम बोले तो इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन। यानी बताया ये जाता है कि इसके अंदर ब्रेक डाउन देखी जाती है, जबकि एनाबॉलिक के अंदर बताया जाता है कि फॉर्मेशन की क्राइटेरिया इसके अंदर देखी जाती है। यानी इसके अंदर ब्रेक डाउन और उसके अंदर फॉर्मेशन, ये दोनों चीज मिला के ये होती है, ये दोनों चीज मिला के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है। यानी ब्रेकडाउन और फॉर्मेशन हर एक जीव के अंतर्गत होती है। जरा आप समझिए, हम लोग कहते हैं कि एनर्जी लिए, हम लोग कोई भी न्यूट्रिशन लेते हैं, हम लोग कोई भी पोषण अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, क्या वो पोषण जाने के बाद तुरंत हमें एनर्जी दे देती है? नहीं, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। उसके अंदर एक प्रोसेस होती है, एक केमिकली प्रोसेस होती है, और उस केमिकली प्रोसेस के कारण वहां पे ब्रेक डाउन और फॉर्मेशन होता है, जो कि एक मेटाबॉलिकली एक्टिविटीज के अंदर देखा जाता है। इसे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंदर ब्रेक डाउन और फॉर्मेशन के कारण बताया ये जाता है कि वो जीव जो होते हैं अपना सारी केमिकल प्रोसेस कर पाते हैं, जिसके अंदर ये बात बताई जाती है कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, यानी ब्रेक डाउन और फॉर्मेशन की जो बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, वो एक जीव के अंदर जो देखी जाती है। तो कहता है कि हम अपने बॉडी के अंदर देखते हैं कि फूड पार्टिकल्स का जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो फूड पार्टिकल्स जो होते हैं उसका ब्रेक डाउन होता है, जबकि और भी हम बहुत सारा प्रोटीन का बात करें, और भी ऐसा बहुत सारा चीज हम लोग के अंदर का अलग अलग टाइप के एक्टिविटी, जिससे हम लोग के बॉडी के अंदर अलग अलग चीज परफॉर्म होते हैं, जिसके अंदर हम बोलते हैं कि फॉर्मेशन होता है। यानी जैसे हम कह सकते हैं कि इसके अंदर हम लोग के शरीर में प्रोटीन का बनना होता है। ये क्रिया सब जो होती है, ये सारी चीजें जो होती है, इस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंतर्गत आता है, जो कि एक लिविंग बींग्स का कहते हैं कि क्राइटेरिया होती है, और ये मेन परफॉर्म होती है किसी भी जीव के लिए। फिर अगर हम बात यहाँ पे करें, तो बताई ये जाती है कि इसके अंतर्गत अगर इस सारे चीज को देख लिया जाए, तो फिर बात आती है कि जो इस जगह पे आगे का अगर हम बात करें, तो आगे की क्राइटेरिया जो इसके अंदर होती है, वो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है आप लोग के लिए, जो अभी हम लोग जो पढ़े हैं उससे आपको क्या जानकारी मिली है। क्वेश्चन है, What criteria do we wish to decide whether something is alive? यानी ऐसी कौन सी क्राइटेरिया डिसाइड करता है कि आप एक जीव, खुद जरा सोच के देखिएगा। तो उसके अंदर जब आप सोचिएगा और देखिएगा, तो उसके अंदर आपको डिसाइड करना पड़ेगा, यही वाला चीज जो कि आप पढ़े हैं, कि आपके अंदर एक स्टिमुलस जो होती है, वो स्टिमुलस जो होता है, वो स्टिमुलस आपके अंदर देखने को मिलेगा। यानी आपके अंदर ये वाली चीजें ये वाली, मतलब स्टिमुलस, सो मूवमेंट, रेस्पायर, ग्रो, रिप्रोड्यूस, इवॉल्व, ये सारी एक डिफिनिट शेप, साइज, लाइफ स्पैन, हर चीज जो है, आप अगर सजीव है तो आपके अंदर ये सारा का सारा चीज मिलेगा। और इसके अंदर मेन चीज जो होगी, वो आपको एक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को भी देखने के लिए मिलेगा आगे। यानी हम इसी के अंदर आपको एक क्वेश्चन भी दे देते हैं, यानी आप जो पीछे में जाइएगा, आपको क्वेश्चन जो बनाना होगा, वो क्वेश्चन भी यहाँ पे एक हम लोग देते जाते हैं, ताकि बच्चा को समझ में आए कि जो हाँ हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो सारी चीजें हमें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ऐसा कुछ देखने के लिए आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर बात बताई यहाँ पे जाती है कि आगे अगर इसके अंदर हम बात करें, इस चैप्टर के अंतर्गत, तो इस चैप्टर के अंतर्गत आपको जो है वो देखने के लिए फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन मिलेगा कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। यानी क्वेश्चन है कि जैव प्रक्रम है क्या, आखिर हम किसको बोलेंगे कि एक जैव प्रक्रम क्रियाएं हैं। तो इस चीज को देखने के लिए आप देखिए यहाँ पे कि लाइफ प्रोसेस आर रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग लाइफ, यानी आप अपने जीवन को किस प्रकार से मेंटेन कर रहे हैं।
एक लाइफ प्रोसेस के अंदर ये चीज देखी जाती है। कहते हैं कि बिना लाइफ प्रोसेस के, बिना जीव प्रकरण के इस अर्थ के ऊपर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो सरवाइव कर ही नहीं सकता है। यानी लाइफ प्रोसेस एक लाइफ को मेंटेन करने की क्रिया होती है। चाहे जीव जो भी हो इस अर्थ के ऊपर, उसको अगर इस अर्थ के ऊपर अपने आप को मेंटेन करना, अपने आप को जीवित रखना है, तो इस जगह पे बताया जाता है कि उसके अगर लाइफ को मेंटेन करना है तो उसको इस विधि से, यानी बात करें हम तो इस लाइफ प्रोसेस वाला विधि से, इस लाइफ प्रोसेस वाला विधि से आपको गुजरना ही होगा। फिर ये बात बताई जाती है कि इसके अंदर, लाइफ प्रोसेस के अंदर जितने भी एक्टिविटीज मेंटेन होती है ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो लाइफ प्रोसेस के थ्रू ही होता है। यानी आपके जीवन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज आपके जीवन को जीने के लिए जरूरत तो होगी, चाहे वो जीव कोई भी हो, उसके अंदर ये लाइफ प्रोसेस होना अनिवार्य है। ये कहते हैं कि जो लाइफ, ये जो प्रक्रिया हम लोग के अंदर लाइफ प्रोसेस की होती है, इस प्रक्रिया के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर ये तो ग्रोथ करवाने के कार्य करते ही है, और बाय दिवे अगर कभी किसी कारणवश से अगर हम लोग के बॉडी के अंदर डैमेज आ जाए, चोट आ जाए, या हम लोग का किसी जगह का बॉडी का कोई सेल बाहर आ जाए, तो उस सेल को फिर से, यानी उस सेल को फिर से, या हम लोग के शरीर के अंदर कहीं टूट फूट हो जाए, तो उस चीज को फिर से मैनेज करने की काम, या उस चीज से बचाने का कार्य इस प्रोसेस के अंतर्गत आता है। प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रोक डेड ब्रेकडाउन। फिर बताया जाता है कि इसके लिए एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। यानी एक लाइफ प्रोसेस की क्रिया को करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, और एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कहते हैं कि ये जो एनर्जी हमें आती है, ये हमें और किसी ऑर्गेनिज्म से, हम लोग के बॉडी यानी बाहर से किसी भी प्राणी के द्वारा हम लोग के बॉडी के अंतर्गत आता है, जिसे हम फूड का नाम देते हैं और उसे सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। यानी हम जानते हैं कि इस अर्थ के ऊपर कुछ ऐसे भी जीव है जो कि अपने फूड सप्लीमेंट को पूरा करने के लिए अपने बॉडी के अंदर वो किसी और ऑर्गेनिज्म पे निर्भर करने का कार्य करता है। इस अर्थ के ऊपर सभी को पता है फूड जो होते हैं वो नेसेसरी प्रोडक्ट होते हैं किसी भी जीव को अपने लाइफ प्रोसेस करने के लिए। बताया जाता है द फूड प्रोसीड इनसाइड कॉमनली कॉल्ड न्यूट्रिशन, यानी ये पोषक तत्व के द्वारा हम लोग के शरीर के अंदर आने का कार्य करता है। यानी जिसे हम न्यूट्रिशन का नाम दिए, ये एक न्यूट्रिशन जो होती है, ये पोषक तत्व जो होती है वो हम लोग के शरीर के अंदर आती है। कहाँ से? तो बाहर किसी जगह पे फूड जो होती है, बाहर किसी जगह पे जो यहाँ पे भोजन सब रहती है, इस भोजन के द्वारा ये हम लोग के बॉडी के अंदर एंट्री करने का कार्य करता है, जिसे हम न्यूट्रिशन का नाम देने का कार्य करते हैं। यानी किसी वातावरण से ये हमारे शरीर के अंतर्गत किसी क्रिया के द्वारा आती है। फिर ये बात बताई जाती है कि इस सोर्स ऑफ एनर्जी जो हम लेते हैं, जिसे फूड कहते हैं, उसका ब्रेकडाउन होता है किसी ना किसी प्रोसेस के द्वारा, और वो फाइनली कन्वर्ट होता है किसके अंदर, तो एनर्जी के अंदर, जो कि हम लोग के शरीर के अंदर आने का कार्य कर रहा है। फिर बात बताई जाती है कि दिस एनर्जी यूटिलाइज, और यही एनर्जी हमें उपयोग कर सॉरी हम लोग के शरीर के लिए उपयोगी होती है। किस चीज के लिए? एक लिविंग स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, एक सजीव संरचना की मेंटेनेंस के लिए इस चीज की जरूरत होती है। फिर बात ये बताई जाती है कि इसके अंदर अगर हम बात आगे करें, तो इस जगह पे बात ये आती है कि
इस जगह पे फिर बात ये आती है कि जो वो हमें जो जरूरत होती है एनर्जी, वो एनर्जी की जरूरत जो होती है वो मॉलिक्यूल्स के रूप में हम लोग के शरीर के अंदर जाने का कार्य करता है। उसके लिए एक हम लोग के बॉडी के अंदर एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है, केमिकल रिएक्शन बहुत सारी होती है हम लोग के बॉडी के अंदर, जिसके बाद ये मॉलिक्यूल्स हम लोग के बॉडी के अंदर जाती है और उस एनर्जी के कारण ही, उस मॉलिक्यूल्स के कारण ही हम लोग का बॉडी जो होते हैं उसे ग्रो करने का कार्य करता है। और भी सारी समस्याएं जो हम लोग के अंदर ब्रेक डाउन होती थी, वो सारी परफॉर्मेंस जो कि एक लिविंग बींग्स को करने की जरूरत होती है, सारा का सारा वही मॉलिक्यूल्स, जब छोटे छोटे वही फूड का छोटा छोटा पार्टिकल जब हम लोग के बॉडी के अंदर जाती है तो वो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होती है, जिससे कि हम लोग के बॉडी के अंदर जाने के बाद वो ग्रो करने का कार्य या और भी जितना भी होती है एनर्जी रिक्वायर्डिंग रिक्वायर्ड होने के बाद हम लोग का बॉडी जो वर्क करती है वो सारा का सारा इसी के कारण कर पाती है। फिर ये बात आती है कि दीज ब्रेक डाउन एंड एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शन आर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शन। ये भी एक खतरनाक प्रोसेस एक इस अर्थ के ऊपर एक लिविंग बींग्स के अंदर देखी जाती है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग। हालांकि इसके बारे में हम बात अच्छा खासा करेंगे और ये चीज ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग जो होती है ये भी आपको यहाँ पे मेटाबॉलिक से आपको मिलता जुलता चीज दिखाई देगा। ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग मेटाबॉलिक से कैसे मिलती जुलती दिखाई देगी और ये इस अर्थ के ऊपर एक खतरनाक चीजें हैं, एक खतरनाक रिएक्शन है जो कि इस अर्थ के ऊपर एक जीव को एग्जिस्ट किया है। बहुत ही खतरनाक चीज है ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग और ये मेटाबॉलिक उसी के अंदर आती है, क्योंकि अगर ये चीज नहीं आती तो हम कहते हैं प्रूफ के साथ कि आपको इस अर्थ के ऊपर कभी भी लाइफ मिलता है नहीं। ये चीज का बात हम आप लोग को बाद में करेंगे। फिर बताया जाता है कि फूड ब्रेक डाउन ऑफ फूड ऑर्गेनिज्म, इसके कहते हैं कि अगर किसी भी जीव को, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर वो फूड का जो ब्रेक डाउन होता है उसके लिए उसे जरूरत होती है ये ऑक्सीजन, और जो कि कहते हैं कि हम लोग के शरीर में फिर वो आउटसाइड से आती है, यानी एक सांस ऑक्सीजन का कार्य जो हम लोग के बॉडी के अंदर होती है वो बाहर से आने वाला कोई एक हम जानते हैं कि एलिमेंट है, हम जानते हैं कि वो एक गैस है जो कि हम लोग को जरूरत होती है हम लोग के शरीर के अंदर फूड का ब्रेक डाउन करने के लिए। फिर बात यहाँ पे आती है कि दिस ऑक्सीजन ब्रेक डाउन फूड एंड रिलीजिंग एनर्जी कॉल्ड रेस्पिरेशन। यानी कहने का मतलब अब इस जगह पे आ गया कि पहले हम न्यूट्रिशन के बारे में बात किए हैं, हम पहले न्यूट्रिशन के बारे में बात किए जो कि हम लोग के शरीर के अंदर फूड सप्लीमेंट देने का कार्य, सॉरी फूड सप्लीमेंट के द्वारा मिला, और अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पे किसका, तो रेस्पिरेशन का, यानी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसका, तो श्वसन का बात कर रहे हैं, यानी श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन को हम कंज्यूम करते हैं और उस ऑक्सीजन को कंज्यूम करने के बाद हम लोग का वहाँ पे जो एक ब्रेकडाउन की प्रोसेस होती है जिससे हम लोग के बॉडी के अंदर एनर्जी मिलती है और ये सारी चीजें से हम लोग के बॉडी जो होते हैं जितना भी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्राइटेरिया होती है सारी क्राइटेरिया को परफॉर्म करते हैं। और ये आपका आज लाइफ प्रोसेस के अंदर ये पहला लेक्चर था जिसके अंदर आपको ये बात बताई गई है, जिसके अंदर अगर हम देखा जाए और शॉर्ट रिवीजन कर ले तो शॉर्ट रिवीजन के अंदर ये चीजें आपको देखने के लिए मिलेगा कि आज हम लोग जो है वो क्या क्या पढ़े हैं। तो उसके अंदर देखिए आप इस चैप्टर के अंतर्गत क्या अभी तक में हम लोग क्या पढ़े हैं। जब इसके अंदर बात करते हैं तो बात ये किए थे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अपने जीन अर्थ पे इस लाइफ के अंदर परफॉर्म करने के लिए उसे एक क्रिया करनी पड़ती है जिसे हम लाइफ प्रोसेस का नाम दिए थे।
लाइफ प्रोसेस का नाम हम दिए थे। फिर बात यहाँ पे आगे और भी चीजें आई थी जो उसके अंदर लाइफ जिंदा रहने के लिए जो भी क्रियाएं होती है वो सारी क्रियाएं रेस्पिरेशन विजुअल ये सारी हम पढ़े थे। आगे हम इस चीज को और बढ़ाएंगे और यहाँ पे आपको जो बताया जा रहा है कि एक यहाँ पे डिजिटली आपको एजुकेशन देने का कार्य हम लोग के द्वारा किया गया है ताकि आप लोग के इस एजुकेशन को और भी सही तरीके से आप तक पहुंचाया जाए। और बात रही नोट्स की तो आप इसको नोट्स टेंथ का बना सकते हैं क्योंकि इसके अंदर हर वो चीजें ली गई है जिसको जिसके सहारे से आप एक एग्जाम में अच्छे खासे परफॉर्म भी कर सकते हैं बशर्ते आपको इसके अंदर आराम से समझना और जो भी प्रॉब्लम आपको हो आपको हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कमेंट के थ्रू किसी भी माध्यम से आप हमें कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं और आपको जो भी समस्या इसके अंतर्गत आए वो भी आप हमसे डील कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।